नमस्कार, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर राज जी, जो धम्म की बात को जन जन तक पहुंचाते हैं। सुधीर जी, एक बात बताइए, तथागत गौतम बुद्ध की बहुत सारी बातें हैं जिनको पढ़ के सुन के संतोष मिलता है, जो बहुत ज़्यादा आजकल लोग डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो कौन कौन सी बातें होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएँ, ताकि आज के टाइम में लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं और जिन बातों को सुनने से, जिन बातों को इम्प्लीमेंट करने से उनको शांति मिले। तथागत गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध ने दुनिया में डिप्रेशन को, अवसाद को सबसे पहले समझा और सबसे पहले इसका इलाज बताया। सारी दुनिया उसी इलाज को फॉलो करती है, चाहे दवाई से, चाहे मेडिटेशन से, चाहे मेडिटेशन के हजारों जो और तरीके साथ में बनाए गए उससे। ये जो अचूक दवा और अचूक रणनीति बुद्ध ने उस समय दी थी, वो आज भी उतनी ही कारगर है अवसाद को और डिप्रेशन को दूर करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले जो बताया और जो सबसे पहले है, कोई भी आदमी अगर अवसाद में ग्रस्त है और डिप्रेशन में है, डिप्रेशन अवसाद या जो ऐसी स्थिति है जिसको निगेटिव स्थिति बोलते हैं, वो कहीं मनुष्य के अंदर बाहर से नहीं आती जी। वो सारी स्थिति मनुष्य के अंदर खुद होती है। और ये कमाल की बात है कि एक आदमी का जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है या निगेटिविटी है, वो उसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उसकी निगेटिविटी या डिप्रेशन किसी और के अंदर है जी। इसका एक उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जो आदमी डिप्रेस है और जो आदमी अगर अवसाद में है, अगर वो अवसाद उसके अंदर ना होके बाहर है, तो वो चारों तरफ दिखाई देना चाहिए जी। मगर बाहर की दुनिया तो बड़ी ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा है। इस बात को बुद्ध ने शरीर के अंदर जाके और शरीर के सारे कोडों को डिकोड करके खोल के देखा, और तब उन्होंने इसका इलाज बताया कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है कि जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो गई या आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ये अवसाद है, ये निगेटिविटी है, आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए। छोड़ना कैसे, आपने मन से छोड़ना है। सबसे पहले आपने मन से छोड़ना है, आपने वो जगह छोड़ देनी है, वो स्थिति छोड़ देनी है, कोई भी कारण उसका है वो छोड़ देना है और मन से छोड़ना है। आप देखेंगे कि जैसे ही मन से आप छोड़ते हैं, वैसे ही निगेटिविटी और अवसाद चला जाता है। जैसे अवसाद का एक कारण हो सकता है कि आपको लगे कि आपका जो पुत्र है, जो जान से प्यारा है आपको, और वो डिप्रेशन में आ गया है, और डिप्रेशन में आने का कारण अगर आपको समझ में आता है या उसको समझ में आता है, तो छोड़ देना चाहिए। क्या कारण हो सकता है उसका, कि आपने पढ़ाई का बहुत दबाव उस पर बनाया और वो पढ़ाई के दबाव में डिप्रेशन में आ गया जी। तो उस स्टूडेंट को ये कहना चाहिए कि आप पढ़ाई का दबाव छोड़ दीजिए जी, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। आपने यदि पढ़ाई का दबाव बनाया है, तो आप भी डिप्रेशन में आएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई के दबाव के हिसाब से आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। तो आपको भी ये लालच छोड़ देना चाहिए कि मेरा पुत्र मेरे हिसाब से नहीं पढ़ रहा है। जैसे ही आप ये स्थिति छोड़ेंगे, आपका पुत्र भी पॉजिटिव हो जाएगा और आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बुद्ध की बहुत ही मारक और अचूक है इलाज है, और इसको हमेशा आजमाना चाहिए। जैसे आपको लगा कि आप डिप्रेशन में आ गए और आप निगेटिविटी में आ गए, किस लिए आ गए, क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा धन नहीं है, या आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपके पास में धन नहीं आया, तो आप निगेटिव आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे और आपका मन खट्टा सा और बेकार सा हो जाएगा जी। मगर आप जैसे ही धन का लालच छोड़ेंगे और ये मान के चलेंगे कि अब मुझे इसका लालच नहीं करना है, ये जितना है वो ठीक है, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ हो गया और आप पॉजिटिव होने हो जाएंगे। ये आपको मन से करना है जी। फिर आपके पास जो भी धन आएगा, वो धन आपको अधिक ही लगेगा। ये छोटी छोटी बातें डॉक्टर इसको, क्योंकि सबसे पहले जो मनोविज्ञान सिखाया वो बुद्ध ने सिखाया, और मनोविज्ञान की शाखा भी तभी बनी। इस शाखा और ब्रांच को लोगों ने बहुत ज़्यादा गूढ़ शब्दों में और गूढ़ रहस्यों में करके और एग्जाम्पल और टेस्ट के साथ करके प्रेषित किया हुआ है, दिया हुआ है। ये बहुत सरल है जी। आप थे सुधीर राज जी, जिन्होंने हमें बताया कि आप किसी भी परेशानी को आराम से दूर कर सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल के। ऐसे में से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।